नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप कार्यकर्ता और नेता भाजपा कार्यालय घेराव के लिए आईटीओ के पास पार्टी दफ्तर पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं पुलिस का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इस धरने के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली है। संसद के बाहर आप सांसदों का प्रोटेस्ट, केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया तानाशाही। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रहे कुलदीप कुमार ने कहा, सरकार सीएम केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। हम अपनी लड़ाई संसद, विधानसभा और सड़कों पर लड़ेंगे। जांच शुरू होने के बाद से पिछले दो सालों में एजेंसियों को क्या मिला है? बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए आप कार्यकर्ता और नेता जुट रहे हैं। भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और आरपीएफ तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन के आह्वान के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं ली है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मध्य दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई है। बता दें कि डीडीयू मार्ग पर पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण ये था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सीबीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी के पीछे की प्रमुख वजह यही है कि वो बतौर मुख्यमंत्री उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने विवादित नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।